सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सब लोगों को स्वागत है और एक नया वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आत्मिक दान का हम सही उपयोग कैसे करेंगे। आत्मिक दान जो परमेश्वर हमें दिया है उसका सही इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, चलिए आज की वीडियो का हम शुरू करते हैं। मैं एक वचन के साथ शुरू करना चाहूँगा, मत्ती किताब चैप्टर 10:8, मत्ती किताब 10:8 पद, यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो, आपको भुगतान किए बिना प्राप्त हुआ बिना वेतन। उसका मतलब है परमेश्वर ने जो कुछ आत्मिक दान हमें दिया है वो हमारा खुद का बल से नहीं, खुद का ज्ञान से नहीं, परमेश्वर ने क्या किया उनका मर्जी से हमें दिया है। क्या करने के लिए? उनकी गौरव करने के लिए। इसलिए कहा गया है वचन में, तुम भी क्या करो बिना मूल्य में, तुम क्या करो उसको दान करो, ये सब काम करो लेकिन बिना मूल्य। लेकिन क्या होता है आजकल, आजकल ये जो आत्मिक दान है इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे प्रभु के दासों ने वो क्या करते हैं, चंगाई के बदले वो क्या करते हैं, पैसा चार्ज करते हैं, इतना दो इतना दो। ये पूरी तरह से बाइबल के विरुद्ध होता है। तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन को हम मानेंगे, उनका नाम से छुटकारा दिलवाएंगे, उनका नाम से बहुत कुछ काम होगा लेकिन बिना मूल्य में ये सब करना है। प्रभु का दिया हुआ दान आजकल एक व्यापार बन गया है, बिजनेस। तो आजकल बहुत सारे बाबा और संत लोग भी वो क्या करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, वो क्या करते हैं, चंगाई के नाम पर पैसा लेते हैं, धन दौलत बहुत सारे कुछ लेते हैं। अगर हम भी ऐसा करें तो उन लोग और हमें क्या फर्क रह जाएगा, कोई भी फर्क नहीं। इसलिए वचन कहता है तुम क्या करो, मुक्त में तुम दान करो। अगर हम मुक्त में दान करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति होता है और इसके साथ साथ हम परमेश्वर के वचन को भी हम पालन करते हैं। चलिए हम डिस्कस करेंगे, हम बातचीत करेंगे इसके बारे में। मैं आपको दो पॉइंट बताऊंगा। पहला बात, मत्ती किताब 10:8 के आधार पर हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आत्मिक दान हमें मिला है वो हमारा खुद का नहीं है, और परमेश्वर ने हमें दिया है, उनका मर्जी ने दिया है, और परमेश्वर इसलिए दिया है हम उनके गौरव के लिए, उनके राज्य के लिए हम इस्तेमाल करें। ये दान हमें कोई स्वर्गदूत ने नहीं दिया है, कोई मनुष्य ने नहीं दिया है, ये आत्मिक दान परमेश्वर खुद, जो कि महान परमेश्वर है, जो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सबसे ऊपर है, उनके ऊपर कोई नहीं है, वही परमेश्वर यह दान हमें दिया है। इसीलिए सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरा बात साम चैप्टर 96:4, भजन संहिता 96:4, यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, क्योंकि यहोवा महान और अत्यंत स्तुति के योग्य है और सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। परमेश्वर हमारा इतना महान है, वो भय योग्य परमेश्वर है। सारे देवता से, पृथ्वी में जितना भी देवता है उन सभी देवता से वो क्या है, भय योग्य है, और कोई नहीं है उनके सिवा, सिर्फ परमेश्वर ही। उन्होंने ये दान हमें दिया है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर परमेश्वर इतना भय योग्य है तो हमें सोचना चाहिए तो मुझे और आपको परमेश्वर कितना भय करना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने ये सब हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है, ये परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और हमें सोचना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि जो दान को मैं इस्तेमाल करना जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो दान जिसने दिया है वो कितना महान है, वो कौन है, हमें स्मरण रखना है, हमें चिंता करना है। इसीलिए हम लोगों को जो आत्मिक दान मिला है उनका सही उपयोग हमें करना चाहिए। ये आत्मिक दान का हम सही इस्तेमाल हम करेंगे
क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर यहाँ रिक्वेस्ट नहीं करता, परमेश्वर यहाँ आदेश देता है कि तुम ये करो। तो हमें परमेश्वर के वचन को पालन करना चाहिए। एक दिन एक जादूगर, एक मैजिशियन, वो क्या करता है, वो परमेश्वर की चमत्कार को खुद की आँखों में दिखता है और विश्वास भी करता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो कहता है कि मुझे भी यह दान तुम दे दो, तुम्हें कितना रुपया तुम्हें चाहिए। हालेलुया, तुम बोलो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन यह दान मुझे दे दो। लेकिन परमेश्वर का दास पत्रस ने क्या कहा, तुम्हारा दान तुम्हारे साथ नष्ट हो जाएगा। अगर ये बात सुनने के बाद वो क्या करता है, मन फिराता है और सेवा प्रार्थना करता है। इसके बाद वो बच जाता है। वो कौन है, बाइबल लिखा है प्रेरितों की किताब 8:18-25 तक, अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में लिखा है। उनका नाम है सिमोन। वो क्या करता है, परमेश्वर के दान को वो क्या करता है, खरीदना चाहता है। परमेश्वर दान को कोई नहीं खरीद सकता, ये परमेश्वर का खुद का दिया हुआ गिफ्ट है, एक तोहफा है जो कि सबको मिला है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसी दिन सिमोन ने मन फिराया और बच गया। अगर मन फिराया नहीं होता तो उधर ही उसका कुछ तो हो जाता, जरूर हो जाता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो बोलते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। उसके पहले वो अपना मन को फिराया, क्षमा प्रार्थना की। अगर उसी टाइम, उस प्रेरितों के टाइम में परमेश्वर के दान को खरीदने वाले, अगर उनके साथ ये सब दंड हो सकता है, तो आप सोचिए हमारे साथ क्या नहीं होगा। क्या परमेश्वर हमें छोड़ देगा, कभी नहीं। परमेश्वर हमें जरूर दंड देगा अगर हम उनका वचन को पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर का दान कोई मजाक नहीं है, परमेश्वर का दान महान है। उनका राज्य के लिए, उनका गौरव के लिए, परमेश्वर राज्य को, परमेश्वर के राज्य के लिए उनका दान को हम क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। सबको जय मसीह की, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और एक टॉपिक के साथ, अगले टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिया गया बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि अगले टाइम में जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। तब तक सबको जय मसीह।